हे गाइस व्हाट्सएप, तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए रोज कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। और हमारी वीडियो पर बने रहें और अपना प्यार ऐसे दिखाते रहें। तो जैसे कि हमने बताया, आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। तो जितिन भाई बताएंगे आज क्या स्पेशल है हमारी वीडियो में। यार मैं आपको बता दूं, आज मतलब यार जो लोग बाग जानवर पाल लेते हैं उसमें कोई भी होता, कुत्ता काऊ वगैरह कैसे जानवर होते हैं फिश वगैरह, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो भाई वो लोग मतलब रोड पे छोड़ देते हैं। तो यार ये आप कहना चाहते हैं कि जैसे भी कोई लोग बाग डॉग वगैरह या गाय वगैरह पालने का शौक होता है, जैसे तो लोग बाग जैसे उनमें कोई दिक्कत होने लगती है या वो काटने लगते हैं तो उन्हें बेसहारा रोड पे जाता है भूखा प्यासा। तो ऐसा गाइस ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है हमें भी भूख लगती है तो हम भी बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर हमें एक टाइम का खाना ना दिया जाए तो वो तो बेचारे पूरा पूरा दिन भूखा रहते हैं। तो ऐसे जानवरों के साथ कभी भी कुछ ना करा जाए। जैसे कि आप उन्हें कोई बीमारी होती है तो आप उनका इलाज कराएं, उन्हें बेसहारा रोडों पर ना छोड़ें। बहुत थोड़ा क्रिश भाई भी हम आपको इस बारे में थोड़ा बताएंगे। क्रिश भाई आइए आप बताइए। ये रे क्रिश भाई बताएंगे। क्रिश भाई आप बताइए थोड़ा बहुत भाई डॉग्स के बारे में। छोड़ा करो यार, ये बहुत लाचार आदमी होते हैं यार, ये बहुत गलत कर रहे हैं ये लोग। तो गाइस ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले इतने प्यार से ला रहे हो फिर उन्हें ऐसे रोड पे छोड़ रहे हो, तो यार बहुत गलत कर रहे हैं यार। तो हमने सोचा कि एक वीडियो इस पे भी बना दी जाए। तो गाइस आप सभी से मेरी बहुत ही बहुत रिक्वेस्ट है, तो किसी भी जानवर के साथ ऐसा ना करें एंड उनको कभी भी। सो गाइस अब हमारे क्रिश भाई भी आपसे कुछ कहना चाहेंगे। तो क्रिश भाई बताइए, आप कमेंट करके बताओ गाइस कि हम ये कुत्तों को खाने देने के लिए सही कर रहे हैं क्या गलत। तो गाइस क्रिश भाई ने जैसे कि हमारे क्रिश भाई ने आपको कहा है कि कमेंट में जरूर बताएं ये हम सही कर रहे हैं या गलत, इन डॉग्स को खाना देना चाहिए या इनको लाचार ऐसे छोड़ देना चाहिए। तो भाई इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि चिराग भाई हमारे डॉगी को बिस्किट खिलाने लाए हैं आज। तो यार बहुत गलत करते हैं लोग बाग, ये बहुत ज्यादा गलत करते हैं कि मतलब यार ऐसे कुत्तों को मतलब पहले पालो फिर उन्हें कुछ प्रॉब्लम निकाल देते हैं फेंक दो सड़क पे सारा छोड़ दो, तो ये बहुत गलत करते हैं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी। तो आप देख सकते हो गाइस ये चिराग भाई हमारे इन डॉगिस को जो भी ज़्यादा भूखे लाचार इन सबको बिस्किट खिला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यार बेचारे देखो कैसे खा रहे हैं यार। आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कृपया इन्हें बेसहारा ऐसा ना छोड़े, भूखे प्यासे ना छोड़ा करें। देखिए कितने भूखे हैं गाइस। तो चलिए आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और इस वीडियो पर अपना प्यार दिखाइएगा और शेयर कीजिएगा ताकि लोग पाओ को पता लग सके इन्हें ऐसे रोड पर खुला ना छोड़ा जाए, ये भी भूखे प्यासे हैं, इन्हें भी भूख प्यास लगती है गाइस, ये भी हमारी तरह ही है। आप इन्हें अपने भाई बहन की तरह समझ सकते हैं गाइस। हाँ तो गाइस हम और आगे की ओर चलते हुए तो देखते हैं अब हमें और डॉग्स मिलते हैं या नहीं। ये ऑन रोड चल रहे हैं, उसको थोड़ा ऊपर हो रहा था फुटपाथ पे को। चलिए गाइस देखते हैं आगे और डॉग्स मिलते हैं हमें या नहीं। मिलने तो चाहिए क्योंकि बहुत बेसहारा डॉग्स हैं, इन्हें घर पर पाल कर छोड़ दिया जाता है किसी वजह से। तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते हुए देखेंगे हमें और मिले तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं हम किसी और डॉग्स को खाना खिला देंगे। अगर यहाँ भी मिले हमें तो हम इन्हें भी और खाना खिलाएंगे, हमारे पास एक दो पैकेट और हैं। गाइस हम घर की ओर चलते हुए तो चलते हैं घर। हाँ तो गाइस जैसे कि हमने आपको कहा था अब हम घर चलते हैं। तो घर जाने से पहले हमें बीच में एक कुत्ता मिल गया जो कि हमारे साथ ही है और हमारे पास ये लास्ट स्टॉप बचा था, तो हम ये उस कुत्ते को देना चाहते हैं। तो ये है हमारा वो कुत्ता, ये देखिए बिल्कुल ही डॉगी जैसे आवाज निकाला। तो गाइस हमने आपको अपने चलते फिरते कुत्ते से मिलवा दिया है, तो चलो अब चलते हैं हम अपने घर की ओर। तो देखो देखो अभी भी भूख रहा है गाइस, देखो तो देखिए कितने भूखे थे कुत्ते, तो हमने इन्हें बिस्किट डाल चुके हैं। अब चलते हैं हम अपने घर की ओर। तो चलिए गाइस चलते हैं हम अपने घर की ओर।